हमारे प्रमुख महिला और मंच के आगे बैठे हुए मेरे प्यारी बहनों और सारे बच्चे भी दिखते हैं, सभी को मेरा प्रणाम। पहले ए नवरात्रि का अवसर पर मैं इधर आई हूँ, सबको नवरात्रि का शुभकामनाएं। आज तो आठवें दिन है, दुर्गाष्टमी बोलते हैं, इसका सारी महिलाओं को मेरा विशेष। आज तो इधर हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम में हम लोग सारे जुड़े। ये हल्दी कुमकुम करके बोलने वो हमारा क्या है, हिंदू संस्कृति वाला हम दिखा के सबको ये प्रोग्राम में भागी लेके। इधर तो बहुत सारे वुमेन्स को देखे मुझे बहुत खुश हो गया, क्योंकि अभी तो 6:30 बजे हो गया, फिर भी इतने महिला इकट्ठे हुए, क्योंकि इधर तो प्रशांत दादा भी है और संतोष शेट्टी भी है, उसके ये 20 इयर्स से ये प्रोग्राम चालू है। सो फ्रॉम 20 इयर्स ये प्रोग्राम को उन लोग कर रहे हैं, सो इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इतना तो बड़ा प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल है, फिर भी उन लोग बहुत रिस्क और चैलेंज देके ये 20 इयर्स से ये प्रोग्राम करके आ रहे हैं। मैं थोड़ा हिंदी थोड़ा थोड़ा बात करती हूँ, बिकॉज मैं तो साउथ से आती हूँ, मेरे को हिंदी इतना अच्छा तो नहीं आता है, मराठी थोड़ा थोड़ा समझती हूँ, तो मराठी बात करने को नहीं होता है, बट मैं क्या बात करती हूँ मेरा हिंदी में आपको आसानी लैंग्वेज से मेरा विचार क्या है मैं आपके पास रखती हूँ। मैं आप सबको पता है अभी हमारा स्टेट का चुनाव आने वाला है, ये 2014 के पहले हमारा भारत देश कैसा था, 2014 के बाद हमारा भारत देश का क्या क्या डेवलपमेंट्स आया है आपको सबको पता है। हमारा भारत में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है, मेडिकल सिस्टम डेवलपमेंट अपने देख रहा है, एजुकेशनल सिस्टम्स में हमको बहुत सारा इम्प्रूवमेंट्स आ गया है, और सारे के सारे में इधर तो इम्पोर्टेंट बात है महिलाओं का एम्पावरमेंट तो ज्यादा से ज्यादा हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तब प्रधानमंत्री बन के इधर देश पर आए थे, तब उनका सोच वुमेन को कैसे आगे लेके आना और उसका कैसे भारत में कैसे उसका काम में लगाना, इससे भारत का डेवलपमेंट होता है करके उसमें दिमाग के रख के महिलाओं को आगे लेके आने के लिए बहुत सारा स्कीम्स लेके आए थे। अभी आपको पता है इधर तो तीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म में हमारा प्रकाश दादा इधर तो एमएलए है। आपको पता है पहले 15 इयर्स के पहले आपका पनवेल कॉन्स्टिट्यूंसी कैसा था, अभी पनवेल कॉन्स्टिट्यूंसी कैसा हो गया करके आपका अंक में दिखता है, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो गया है, इधर तो मेडिकल फैसिलिटीज मिल रहा है, बच्चों लोगों का स्कूल्स कॉलेजेस सब आपका पास आ गया है, और नेशनल में सेंट्रल में क्या क्या महिलाओं के लिए स्कीम्स लेके आया वो आपका एमएलए साहब ने आपको घर तक पहुंचा है। अभी पहला स्कीम तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आने के बाद लेके आए थे स्वच्छ भारत अभियान। पहले नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट में हमारा महिलाओं को टॉयलेट को जाने के लिए बाहर जा सकती थी, क्योंकि तब थोड़ा सा ये रिच फैमिली में तो टॉयलेट फैसिलिटी था, हमारा पुअर फैमिली में नहीं थे, सो उन लोग क्या करते थे रात में या सुबह सवेरे में जाते थे, तब अंधेरा था तब जाते थे, तब जाने के समय पर महिलाओं को सुरक्षित नहीं मिलता था, छोटी बच्ची नहीं देते थे, नहीं तो वुमेन्स या ओल्ड एज लेडी को भी नहीं देखते थे, उन लोगों को अत्याचार करके मार डालते थे, तब उसको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान लेके आए। अभी पूरा जगह पर 100% स्वच्छ भारत से पूरे घर में टॉयलेट फैसिलिटी लेके आया, कि भी पनवेल कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके आए। अभी 15 साल में तो इधर तो बहुत सारा डेवलपमेंट आया, सारे के सारे घर में भी टॉयलेट फैसिलिटी लेके आए। फिर बाद में हमको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स लेके आया। बेटी बचाओ मीन्स क्यों ये स्कीम लेके आए, महिलाओं का पॉपुलेशन रेशियो बहुत कम था, पुरुष का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा जा रहा था उसका, महिलाओं का नीचे आ रहे थे, उसका रेशियो को बैलेंस करने को नहीं होता था, उसके ऊपर एनालाइज करके स्टडी करने के बाद पता चला ये नॉर्थ साइड में ज्यादा
गर्भ में लड़की लोगों को पता उसको भ्रूण हत्या करते थे, सेक्स रेशियो को उसको मालूम करके घर में उसको मार डालते थे, क्योंकि मैं क्यों लड़की को जन्म दू, उसको क्यों पालन पोषण करूं, क्योंकि उसको उसके ऊपर खर्चा करना है, एजुकेशन देना है, फिर बाद में शादी करके दूसरे घर में बेचना है ना, क्यों इसीलिए मैं ये लड़की को मैं पालन पोषण करूं करके ऐसा घटिया सोच सोच के लड़की को गर्भ में मार डालते थे। उसको बचाने के लिए लेके आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ दसवीं क्लास तक फ्री एजुकेशन लेके आए। अभी हमारा लास्ट सेंसस में हमको रिजल्ट मिला है, महिला 1000 पुरुषों के लिए 1020 महिला ज्यादा हो गया, मींस पुरुष से ज्यादा अभी फीमेल का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है। इसीलिए हमारा सबका फर्ज है ये इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन में पुरुष से ज्यादा महिलाओं का वोटर परसेंटेज ज्यादा आना चाहिए, ये तो हमारा फर्ज बनता है। मैंने लास्ट पनवेल कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये एनालाइज देखा, मैंने महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज है 46% है ना। अभी आप लोगों ने एक चैलेंज डालना है, इस इलेक्शन में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ाना है। आप लोग चैलेंज डालेंगे ना, इस बार वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का ज्यादा आना चाहिए। दूसरी, अभी दसवीं क्लास तक हम लोग फ्री एजुकेशन मिला, फिर बाद में क्या करना है, नरेंद्र मोदी जी ने उसको भी स्कीम लेके आया, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कविता दीदी भी बोली, हमारे पास तो 200 300 400 500 कितना 1 लाख तक एक महीना में गर्ल के ऊपर अभी पैदा हुआ बच्चे के नाम से आज से फर्स्ट डे से 10 साल तक उसके नाम पर पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। आप लोग अब सोच रहे हम लोग घर में बैठ के 5000 या 10000 हम रखेंगे फिर बाद में पढ़ाएंगे, ये 5000 10 साल भी रखा तो 5000 भी रहेगा, उसमें तो बहुत इंटरेस्ट नहीं मिलता है। पोस्ट ऑफिस में डालने से हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिला के हमको लड़की का फर्स्ट फेज में 18 साल तक हमको ये पैसा भरना है, फिर बाद में फर्स्ट फेज में हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका हायर एजुकेशन को ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसका शादी के टाइम, नहीं तो उसको तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो उसमें से हम लोगों को विड्रॉ कर सकते हैं। फिर दूसरी, जनधन अकाउंट, अभी सारे के सारे महिलाओं के पास अकाउंट है, बैंक अकाउंट, पहले सारे के महिलाओं के पास नहीं था, क्योंकि बीपीएल बिलो पॉवर्टी रहती है ना, उसके पास वो 500 या 1000 रुपए ढाल के महिलाओं ने अकाउंट नहीं खुलते थे, इसीलिए जीरो बैलेंस अकाउंट, एक पैसा भी ना दे के बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकने करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लेके आए थे, जनधन अकाउंट। अभी सारे महिला के पास अकाउंट है, क्योंकि अभी हम लोग पर्स में पैसा नहीं लेके जाते, हम लोग मोबाइल लेके जाते हैं, क्योंकि एक स्ट्रीट वेंडर मच्छी बेचती है, सब्जी बेचती है, फ्रूट्स बेचती है, सबके सारे साथ पर क्या है, एक स्कैनर रहती है, वो बोलती है दीदी मेरे पास छुट्टा नहीं है, आप लोग स्कैन कर दो, खत्म है ना। इसीलिए अभी हमारा सारे के सारे महिलाओं के पास अकाउंट है, और महिला सशक्त हो गया। एंड कैसे सशक्त हो गया, पहले तो महिलाओं ने मोबाइल को यूज करने को नहीं होता था, अभी उन लोग स्मार्टफोन को यूज करते हैं, स्कैन करते हैं, ऐसा जाके डिजिटल, तो हमारा इंडिया तो डिजिटल इंडिया बन गया, ऐसा महिला भी उसमें सशक्त होकर उसको यूज करने के लिए स्टार्ट किया। फिर कोरोना समय पर जनधन अकाउंट किसके नाम, महिलाओं के नाम था, उसके 3 इंस्टॉलमेंट में 500 500 500 अमाउंट डाले थे। फिर बाद में रेशन कार्ड, रेशन कार्ड पहला किसका नाम आगे था, आदमियों का नाम, घर का पुरुष का नाम पर था, अभी तो घर की महिलाओं के नाम पर ये रेशन कार्ड है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ओनरशिप तो महिलाओं को देने के लिए ऐसा किया था, थोड़ा थोड़ा हम लोग छोटा छोटा झगड़ा करके हम ऐसा फैमिली में रहता है ना, फिर बाद में क्या होता है महिलाओं को बाहर डालते थे, तब अगेन महिलाओं को सुरक्षित नहीं थी वो, इसको सुरक्षित बनने के लिए ऐसा स्कीम लेके आया था। और उसका रेशन कार्ड में अभी महिलाओं का नाम है, उसकी वजह से आवास योजना के द्वारा घर का ओनरशिप महिलाओं को दिया है, अभी आवास योजना आ गया, आवास योजना के द्वारा घर मिला, सब खाली घर मिलने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, घर में तो हमको करंट चाहिए, इसीलिए दीनदयाल उपाध्याय उसका नाम पर मीन्स उजाला योजना के द्वारा बिजली फ्री मिला।
खाली बिजली मिलने से घर संभाल सकते हैं? नहीं, पानी चाहिए। जल जीवन मिशन के द्वारा हर घर में नली का पानी चाहिए करके ऐसा सोच के जल जीवन मिशन द्वारा पानी का स्कीम लेके आया। अभी तो सारे घर में नली ऑन किया तो पानी आ जाता है। पहले महिला जाती थी बाहर बहुत दूर पानी लेके आने के लिए, और सारे के सारे घर का मेंबर्स के लिए पानी रखती थी। मींस आधा का आधा दिन उसका पानी भरने में निकल जाता था। फिर दूसरा स्कीम लेके आए उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के द्वारा क्या मिला हमको? फ्री गैस कनेक्शन। पैसा वाले तो पैसा दे के गैस कनेक्शन ले जाते, फिर ये बिलो पॉवर्टी महिलाओं को नहीं दिया, नहीं है ना, उसको आगे लेके आने के लिए ये उज्ज्वला योजना के द्वारा फ्री गैस कनेक्शन मिला। क्योंकि महिला फिर जंगल जाती थी, लकड़ियों को लेके आती थी, उसको सुखा के आग दे के उसमें खाना पकाने में आधा दिन जाता था। आधा दिन पानी भरो, आधा दिन खाना पकाओ, उसमें पूरा का पूरा महिलाओं का दिन जाता था। खुद के लिए हमको टाइम नहीं मिलता था, हमको रेस्ट नहीं मिलता था, पूरा फैमिली के ऊपर हमारा टाइम डालते थे। अभी एक घंटा में पानी भरो, एक घंटा में खाना पकाओ, अभी हमारा पास 8 घंटा बच गया। तभी शुरू किया महिलाओं ने, क्या करो ये 8 घंटा, मेरा खुद का कुछ काम करो, काम में जाओ, नहीं तो खुद का कुछ बिजनेस करो, ऐसा सोचने लगी। फिर इसलिए स्कीम लेके आए स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि योजना, ये सब योजना लेके आया नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट से। क्योंकि सब्सिडी से लोन मिलेगा, खुद का खुद कुछ बिजनेस स्टार्ट करे। फिर बाद में पीएम स्वनिधि, ये उसमें तो एक छोटा सा बिजनेस को बड़ा कर सकते, 10,000 रुपए। एक काउंसिलर है ना, काउंसिलर का एक साइन बस है, उसमें से हमको 10,000 मिलता है छोटा। फिर बाद में उसको हम लोग रीपेमेंट करने के बाद 20,000 ले सकते हैं, उसको रीपेमेंट करने के बाद 50,000। मीन्स इतना छोटा बिजनेस को इतना बड़ा करने के लिए भी हमको बहुत सारा स्कीम्स मिला है। और रेशन मिल रहा है, कोरोना का गट था ना, उससे स्टार्ट हुआ हमको फ्री अन्न भाग्य योजना। अभी आज कैबिनेट में डिसीजन हुआ के 2028 तक ये योजना जारी रहेगा। फिर बाद में हमको कोरोना के समय पर फ्री वैक्सीनेशन दिया है। फिर किसान सम्मान निधि से हर साल में 6,000 मिल रहा है। ऐसा बहुत सारा स्कीम्स नरेंद्र मोदी जी ने लेके आया। और आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका एमएलए प्रशांत दादा ने आप सबको ये स्कीम्स लेके आया। मैं तो प्रशांत दादा को अभी देख रही हूँ, मैंने पहले देखी नहीं थी, उसका बारे में तो मैं बहुत कुछ सुनी हूँ। सब बोल रहे थे हमको प्रशांत दादा कैसे है करके, वो हमारा घर का कैसा बाई रहता है ना, ऐसा रहता है। क्योंकि सारे के सारे घर का प्रॉब्लम्स क्या है उसको पता है, कुछ ना कुछ हम लोग उसके पास जाके हम लोग अर्जी दिया तो उसको देखते हैं और तुरंत उसका रिप्लाई आता है। ऐसा एमएलए तो नहीं रह सकते, क्योंकि एमएलए तो बहुत बिजी रहते हैं, सारे के सारे घर में क्या क्या हो रहा है करके नहीं मालूम रहता है। तो आप लोग तो बहुत पुण्य किया है, क्योंकि मैं तो आती हूँ कासरगोड में, हमारा तो एक एमएलए भी नहीं है, अभी तो हमारा एमपी है। हम लोग बहुत सारा मुश्किल तो हम लोग हर रोज फेस कर रहे, तो आपको तो बहुत आप लकी है क्योंकि ऐसा आपका एमएलए मिला है, इसीलिए उसके लिए एक जोरदार तालियां आप बजाना ही है। और अभी बात हुआ था, वो 7 बजे निकल जाता है घर से, मींस एवरी मॉर्निंग 7 o'clock ही विल बी आउटसाइड एंड ही विल गो एट 12 o'clock। मींस 7 बजे को आने के पहले, मींस अभी तो सर ने 5 बजे को उठना ही है, रात 12 बजे जाने के बाद मींस 1 घंटे को सोएंगे 4 घंटा। प्रशांत दादा सोता है 4 घंटा, हम लोग 8 घंटा बिना टेंशन, हम लोग सोते 8 घंटा, प्रशांत दादा सोते 4 घंटा। इसीलिए हमारा तो फर्स्ट बनता है उसका थोड़ा वजन कम करने के लिए। 5 साल हमने कुछ काम नहीं किया, प्रशांत दादा ने क्या क्या स्कीम लेके आए थे वो सब स्कीम हमने लिया। अभी तो हमारा फर्ज बनता है प्रशांत दादा का थोड़ा वजन कम करने का। आपका 2 घंटा प्रशांत दादा के लिए काम करने के लिए चाहिए, क्योंकि इस बार और एक बार हमारा को प्रशांत दादा को एमएलए सीट पर बिठाना है, और हमको एमएलए प्रशांत दादा ही चाहिए।
आप सर उसके साथ काम करने के लिए हमारे साथ हाथ जोड़ के उसको आप आगे लेके जाना है, क्योंकि ये सारे स्कीम अभी तो लड़की बहन क्या आपको महाराष्ट्र का गवर्नमेंट दे रहे हैं ना, ये सारे स्टेट में नहीं मिल रहा है। मेरा स्टेट में पेंशन नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट से क्या मिलता है ना वो पेंशन 7 महीने से ये 60 ऊपर महिलाओं को नहीं मिल रहा है। आपको तो मिल रहा है 1500 हर महीना मुफ्त, ये तो पेंशन नहीं है, मुफ्त दे रहा है। इसको आगे लेके जाने के लिए ऐसा एमएलए हमको चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, आपका 2 घंटा आप उसके लिए काम कीजिए। आपको इधर उधर नहीं जाना है, आपका खुद में आपका बूथ में खुद काम करना है। आपका घर का वाले का, आपका नेबर्स, आपका फ्रेंड्स, आपका रिलेटिव्स में रिलेटिव्स रहते हैं ना, उसके पास बोलना है आपका प्रशांत दादा क्या क्या किया है, नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट का स्कीम्स क्या क्या मिला है उसके बारे में आपको बताना है। इतना ही किया तो वो बस है, क्यों एक एक महिला एक 20 घर को आप चुन के ये 20 घर में, 1 महीना है अभी इलेक्शन के लिए, 1 महीना 2 घंटे दिया तो आपका पूरा का पूरा महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारा बूथ हम जीत जाएंगे। अभी एक लास्ट एक बात करके मेरा बात खत्म करती हूँ। मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ क्या होना चाहिए, सबसे मजबूत होना चाहिए। सबसे मजबूत कैसा होता है, मेरा बूथ जीतना है, मेरा बूथ सबसे आगे आना चाहिए। अभी आप सब लोग इधर एक चैलेंज डालना है, मेरा बूथ में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुष से ज्यादा लेके आएंगे क्या, क्योंकि महिला कुछ चैलेंज करती है वो पूरा करती है, वो भी कैसा पूरा करती है, उसका काम तो बहुत परफेक्ट रहता है। कुछ चैलेंज किया तो उसको मुश्किल ही नहीं है, वो काम पूरा अच्छे से करती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को आगे लेके आने के लिए ये सारा स्कीम्स लेके आया, क्योंकि वो उसका बच्चे लोगों को अच्छे सिटीजन बना के वो देश में देती है और उसका तो काम बहुत परफेक्ट रहती है। इसीलिए हमारा देश भी आगे बढ़ेगा करके ये सोच दिमाग में रखे नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को आगे लेके आया सारे के सारे क्षेत्र में। अभी आज महिला को 33% रिजर्वेशन मिला है, आर्मी में भी है, डिफेंस में भी है, नेवी में भी काम करती है, वंदे भारत चलाती है। हम तो मल्टी टैलेंटेड है, घर को संभालते हैं हम लोग, बाहर काम करते हैं, बच्चों लोगों को संभालते हैं, पूरा के पूरा काम बहुत परफेक्ट करती है। इसीलिए मैं आज आपसे विनती करती हूँ, आपका बूथ में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ा के प्रशांत दादा को हमको 7वीं बार मीन्स 4th बार उसको एमएलए बनाना है। करेंगे ना प्रशांत दादा, आगे बढ़ो प्रशांत दादा, आगे बढ़ो। थैंक यू, बहुत 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 बढ़िया मैडम, सगळ्यांनी जोरदार ताळ्या वाजवा, आपल्याकडे पाहुणे आहेत त्या।